देखिए पिछले ही टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि कैसे साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, कि वहां से जब आए 1928 में तो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से उनका क्या कर दिया गया, विरोध कर दिया गया। और उसी के देख रेख में जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे वो बोले कि ऐसा करो, हल्ला गुल्ला नहीं करना है, पहले तो एक राउंड टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग भारत के फ्यूचर के संविधान को बना लेंगे, ठीक है, और ताकि भारत को एक कौन था डोमिनी स्टेटस या कुछ इस प्रकार का देने की बात कही थी उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ा तहलका तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक पर टैक्स लगा दिया गया, ठीक है, अभी तक जितना भी काम हो रहा था वो सब क्षम्य था, लेकिन अब नमक जो कि मनुष्यों के डेली उपयोग में काम आने वाली वस्तु है, सॉल्ट के बारे में पढ़ा ही होगा NaCl, तो उस पे क्या कर दिया गया, कर लगा दिया गया। अब डेली जो आदमी खाता है उस पे तुम टैक्स बढ़ा दोगे तो क्या होगा, लोग धीरे धीरे उग्र हो जाएंगे। जैसे आज से कुछ दिन पहले शायद हम कभी शायद एक बार और शायद नेशनलिज्म इन इंडिया हल्का सा पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि क्यों उग्र हुआ। तो कुछ दिन पहले आज से पहले दूध पे दही पे पनीर पे ये सब चीज पे ये GST लगा दिया गया था, गुड्स सर्विस टैक्स, तो थोड़ा सा वॉयलेंस देखा गया था। क्यों, अब दूध है डेली यूज वाला सामान है, पनीर डेली यूज नहीं होता होगा लेकिन कोई कोई डेली पनीर खाता होगा, फिर जनरली डेली यूज के सामान पर जब टैक्स लगा दिया जाता है तो उसको महंगा ना पड़ेगा जी। तुम अब वॉशिंग मशीन पे टैक्स लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन पे टैक्स लगा हुआ है, तुम छो साल में एक बार वॉशिंग मशीन खरीदोगे। बाइक ऐसा थोड़ी है डेली बाइक खरीदते रहोगे, लेकिन दूध तो डेली खरीदना, नमक लगभग डेली खरीदना है, तो जब उस पर टैक्स लगा दिया गया तब गांधी जी सोचे कि नहीं ये सही समय है और यही समय मौका है कि हम लोगों को एक इकट्ठा कर ले और उसके विरोध में और ज्यादा यूनाइट मास एक्शन करे, ठीक है। तो आया कि महात्मा गांधी बिलीव दैट सॉल्ट कुड बी अ पावरफुल सिंबल, नमक ही जो है सबसे बड़ा एक प्रतीक है टू यूनाइट द होल नेशन, पूरे भारत को एक करने का, क्योंकि नमक सबके घर में यूज हो रहा है, ऐसा थोड़ी आदमी दिनों भर महीनों सालों भर मीठा खाते रह जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर आता कि मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द ब्रिटिश, बहुत सारा आदमी भारत के भी और ब्रिटेन के भी लोग इस चीज को देखकर मजाक उड़ाते थे, किसका, तो महात्मा गांधी का, क्या कर रहा है, दो बार तीन बार तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सत्याग्रह था, भाग गया छोड़ दिया, अंत में आया एक नमक यात्रा डांडी मार्च लेकर के। फिर आता है कि एवोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स को हटाना, ठीक, एंड वाज अमंग मेनी डिमांड्स, और भी बहुत सारी मांगे Which were raised by Gandhi ji through a letter to Viceroy Irwin. Gandhi ji ने एक पत्र लिखा किसको, तो Viceroy Irwin में, जिसमें salt tax को हटाने की भी मांग थी और बहुत सारी मांगे ऐसी थी जो उस लेटर में लिखा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहली बात की गांधी जी सरेंडर हो गए थे जब जेल चल गए थे, उसके बाद वो ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे, लेकिन जब तुम्हारा साइमन कमीशन आया तब वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिए, और फिर जब सॉल्ट पर नमक पर कर लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया, तब वो समझे कि ये सही समय सही मौका और यही सही प्रतीक है जिसके कारण हम पूरे भारत को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर आता कि उन्होंने इसके लिए क्या किया, अब वो बोले कि भैया हम डायरेक्ट बात करेंगे उससे, छोटा मोटा हमने डायरेक्ट लेटर लिखा किसको, वायसराय इरविन को, बोला कि ऐसा है कि सबसे पहले तो मेरा नमक का टैक्स हटा दीजिए, सबसे पहली मांगे, और भी दो चार मांगे थी। फिर आता है कि द सॉल्ट मार्च ऑन डांडी, सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च, उसको हम लोग सॉल्ट मार्च भी कहते हैं या डांडी मार्च भी कहते हैं, वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 12 मार्च 1930, कब स्टार्ट किया गया, 12 मार्च 1930, ही वाज एकॉम्पनीड वो जो बाय 78 वॉलंटियर्स, वो 78 सहयोगी के साथ चले, ठीक है। फिर आता है कि देवांग चलते रहे फॉर 24 दिन, कितने दिन तक, 24 दिनों तक, टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 240 मील्स, कितने दूरी तय करने के लिए, 240 मील तय करने के लिए, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, कहां से कहां तक, साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक, ये है कहां पर, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, अगर साबरमती आश्रम या डांडी, मैप में क्वेश्चन आ सकता है कहां से गांधी जी ने अपना नमक यात्रा या सब ये डांडी मार्च स्टार्ट किया,
तो सीधी सी बात है गुजरात में एक पॉइंट दे देना उसको दे लेना, वो साबरमती से स्टार्ट किए थे और डांडी में खत्म किए थे। और दूरी कितनी थी उसकी 240 में, कितने आदमी के साथ स्टार्ट किए थे तो 78 के साथ। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े उसके साथ और भीड़ उनके साथ क्या होने लगी, इकट्ठे होने लगी, और तो और यहाँ तक कि महिलाएं भी जुटने लगी। और गांधी जी जिस मोहल्ले में जाते थे उस मोहल्ले में नमक को बाद में पहली बात तो सबको एक करने का प्रयास करते थे। और अगर 12th का एक बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि गांधी जी ने एक ब्राह्मणों के मोहल्ले में जाकर कहा कि आपको अगर भारत को आजाद करवाना है तो शूद्रों को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और गांधी जी के इस चीज से लोग प्रेरित भी हुए, क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा था कि लोग अब कोई जाति धर्म नहीं देख रहे थे। सबसे पहला था उनका फ्रीडम, किससे तो अंग्रेज से, ठीक है। तो फिर आता है कि साबरमती आश्रम से कहाँ गए, दांडी स्टार्ट कब किए थे तो 12 मार्च 1930 में, और 24 अप्रैल को शायद है ना वो देवा, सॉरी 24 दिन तक चले कहीं लिखे, हाँ 6 अप्रैल 1930 को उनका क्या हुआ, खत्म हो गया। फिर आता है कि मैनी मोर ज्वाइंड इन द बेल, रास्ते में बहुत लोग उनके साथ मिल गए, पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया। फिर आता है कि ऑन 6 अप्रैल 1930 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी सर्मनली वॉन्टेड द लॉ ऑफ द टेकिंग ऑफ फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट, और वो डांडी पहुंचकर हाथ में नमक उठाए, और उन्होंने किसका नमक को देखो, ये अब सोचा खाली टैक्स ही लगाया सर, टैक्स लगाया था हाथ में उठा लिया मुठ्ठी में तो क्या हो गया, नहीं टैक्स तो लगाया ही था। कोई अपने घर में नमक बना भी नहीं सकता, NaCl बनाया जाता है इवेपोरेशन से, समुद्र के पानी से, कोई नमक को ना तो बना सकता है ना तो बिना परमिशन के ना नमक ले सकता है और ना नमक खरीद सकता है, ठीक है। तो वहां पर जहां जहां नमक का फैक्ट्री था वहां पर पुलिस तैनात कर दिया गया था सेक्रेटरी की, देखो अरे बाप कोई बना तो नहीं रहा, चोरी करके ले तो नहीं जा रहा, तो वहां पर पहुंच कर क्या कर दिए, वो उठा लिए। और वो जो सॉल्ट पर टैक्स लगाया गया था, एक कानून बनाया गया था उनका, एक अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने क्या किया, उनका उल्लंघन कर दिया। फिर आता है एक मिनट बस लास्ट टॉपिक आ जा, देखो अब आता है कि चलो ठीक है हो गया, उसके बाद क्या हुआ। फिर आता है कि द सॉल्ट मार्च मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, सॉल्ट मार्च ही जो है तुम्हारा बिगनिंग था, शुरुआत था किस चीज का, तो सिविल डिसोबीडियंस का, सविनय अवज्ञा। सविनय समझ रहे हो ना, एकदम प्रेम से अवज्ञा भी करना, जैसे अब कोई तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, अब उसको बुला या जब हम तुमको भोज में बुलाए हैं, बुला लिया, अब भोज में उसको परोस लो क्या, चप्पल जूता ये सब परोस लो खा बैठ के, ठीक क्या हुआ, प्रेम से उसको बुलाया, उसको बेइज्जत कर दिया, ठीक है, दो चार चप्पल मार भी दिया उसको। फिर आता है कि थाउजेंड ऑफ पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ, और हजारों लोगों ने क्या किया, नमक कानून जो बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा वो उन्होंने तोड़ दिया। फिर आता है कि पीपुल डेमोंस्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, यहाँ तक कि लोगों का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि जो तुम्हारा ब्रिटेन का नमक का फैक्ट्री था वहां तक जाके उसके सामने में प्रदर्शन वो लोग किए। फिर आता है कि फॉरेन और क्या क्या हुआ, तो सबसे पहली बात है कि फॉरेजिन क्लॉथ्स को जो है बॉयकॉट किया गया, वापस जाओ खत्म करो इसको, यूज हमको करना नहीं है। फिर आता है कि पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, पीजेंट जो थे किसान जो थे वो कर दिया कि अब हमको कर पे करना है नहीं, तुम कितना भी कर दो हम कर तुमको पे नहीं करेंगे, समझो। यहाँ पर हो क्या रहा है कि सबसे पहली बात यहाँ से देखो जी, ये इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन को दिखा रहा है, वहां का इकोनॉमिक बोलो या मार्केटिंग कंडीशन को दिखा रहा था कि मार्केट में बाहर का सामान आ रहा है, भारत का सामान बिक नहीं रहा है, तो मार्केटिंग कंडीशन दिखाया कि लोग क्या कर दिए बाहरी सामान को, बोले कि अब हम यूज नहीं करेंगे। अब देखो ये वहां के विलेज कंडीशन को दिखा रहा है कि जो गांव के लोग हैं उन्होंने भी क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कर को पे करने में। फिर आता है कि विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, और वहां जो नया नया वो तो पहले में ही पढ़े थे कि असहयोग आंदोलन में कि सभी को जो स्टार विस्टार दिया गया था, जो एक पदवी दिया गया था, वो लोग क्या कर दिए, छोड़ दिए। फिर आता है कि ट्राइबल पीपुल वायलेंटेड फॉरेस्ट लॉ,
ये फॉरेस्ट के बारे में बता रहा, बताए थे कि तुम्हारा असहयोग आंदोलन जो हुआ था फॉरेस्ट में भी एक कानून लगा दिया गया था कि कोई भी यहाँ से फल नहीं ले सकता है, जिसको लकड़ी जलाने के लिए नहीं ले सकता है, तो उनका भी उन्होंने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और अंततः ये चीज ब्रिटेन के लोगों को समझ में आने लगी कि अब सत्ता धीरे धीरे हमारे हाथ से खिसकने लगी है।